दोस्तों राजस्थान में थोड़ी देर बाद बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान की एंट्री होने वाली है और आज हम आपको वहां से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से बिपरजॉय तूफान की एंट्री होगी। गुजरात का जो कच्छीय इलाका है, कच्छीय तट है, उससे सटा हुआ ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, बाकासर चौटन का जो क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो है, कुछ घंटे बाद बिपरजॉय तूफान जो है वो एंट्री कर लेगा। हालांकि उससे पहले अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का जो कहर है वो जारी है, रुक जो बारिश है वो हो रही है। कल शाम को 5 बजे से बारिश है वो शुरू हो गई थी, हालांकि देर रात तक बारिश चली थी। और अगर सुबह की बात करें तो कुछ घंटे रात बारिश नहीं थी। मैं बिपरजॉय तूफान को लेकर आपको पूरी की पूरी अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर करें और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि चौटन की जो पहाड़ियां हैं उस पर जो है बादल छा गए हैं, बादलों ने अपना डेरा चौटन की पहाड़ियों पर डाल दिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर दोनों की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, तो रेगिस्तान के दोनों के बीच में आप देखिए पानी का एक छोटा सा टापू बन गया है। आप देखिए कितना ये प्रकृति का संगम है, प्रकृति का मनोरम जो दृश्य है वो है कि आप तरफ एक तरफ आपको बादल नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको पहाड़ नजर आएंगे, एक तरफ धोरे आएंगे और पानी आएगा, और इन सब पर जो चार चांद लगाते हैं वो हल्की हल्की बारिश की बूंदे भी चल रही है, यानी कि प्रकृति का एक बहुत ही शानदार मनोरम दृश्य है। अगर ये बिपरजॉय जो तूफान है उसका कहर नहीं होता तो ये जगह किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं होती। आमतौर पर ऐसी चीजें आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। आप यकीन मानिए कि बारिश कितनी होगी इस रेगिस्तान के धोरों में, इस बालू के बीच में, यहाँ पर आप देखिए पानी इकट्ठा हो गया है, तो कहीं ना कहीं तेज बारिश हुई होगी। ऐसे में यहाँ पर धोरों के बीच में आप देखिए समुन्द्र सा जो है मंजर आपको नजर आ रहा है। और तमाम प्रकार के वीडियो हम आपको लगातार दे रहे हैं। बिपरजॉय तूफान की स्पीड जो है वो जैसे ही बाड़मेर में प्रवेश करेगा, राजस्थान में प्रवेश करेगा, तो उसकी स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको इस तूफान को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये तूफान अपने आप में कहीं तबाही नहीं मचा दे, इसको लेकर हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, सचेत रहना है, हर बात को लेकर हमें इस बात की जानकारी रखनी होगी कि किस तरीके से बिपरजॉय तूफान से हम लोगों को बचना है। हालांकि प्रशासन अपने पूरे के पूरे अलर्ट मोड पर है, तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है वो कर रहा है। और अगर बात करें तो बाड़मेर में बिपरजॉय तूफान को लेकर सेना को डिप्लॉय करना, एक किसी कारण मिलिट्री डिप्लॉय करना अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि SDRF के 2 सेक्शन जो है वो बाड़मेर में तैनात है, सिविल डिफेंस के 100 वॉलंटियर्स हैं, वो एनी टाइम रेडी रखे हुए कि किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है। और प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की ऐसी हालात बन जाए तो आपको अलर्ट रहना है। तो ये तस्वीरें मैं आपको चौटन से दिखा रहा हूँ। आप देखिए मेरे पीछे जो पहाड़ है वहाँ आप नजर आना बंद हो चुका है, क्योंकि बारिश का दौर है वो धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। हमारे दर्शकों को हर खबर से खबरदार हम इसी प्रकार करते रहेंगे। एक बार पुनः इस वीडियो को शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।